Hi friends, thanks for stopping by. This is Vinit Malhotra and you are watching One Study Circle. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Accenture इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में. एक चीज़ फ्रेंड्स हम पहले ही क्लियर कर दें, कुछ जो बेसिक कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, व्हाई शुड वी हायर यू, ये सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं पहले ही, इस पर वीडियो बनाया हुआ है, ये ज़रूर पूछे ही जाते हैं. उस पर इंटरव्यू टिप्स प्लेलिस्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पेज पे जाकर उसको देखें. आज की वीडियो में बात करेंगे तीन मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो एसेंचर में स्पेसिफिकली पूछे ही जाते हैं 90% ऑफ द केसेस में, और कुछ ऐसी नॉलेज आपको देंगे एसेंचर के बारे में जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है. तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस वीडियो को. हेलो. अब फ्रेंड्स एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, एसेंचर के बारे में आपको नॉलेज क्यों होनी चाहिए अगर आप एसेंचर में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो, क्योंकि इंटरव्यूअर है काफ़ी केसेस में एसेंचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछता है, जैसे उसका सीईओ कौन है एसेंचर का, कब इसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, क्या इंटरव्यूअर वाकई में ही आपसे एसेंचर की नॉलेज टेस्ट करना चाहता है कि आपके पास कितनी नॉलेज है एसेंचर की? जी नहीं, ऐसा नहीं है. उसको वो चीज़ें पता है वो जो आपसे पूछ रहा है. तो फिर क्या क्वेश्चन है, क्या मतलब है, ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है. लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ देखिए, हम टाइमर लगाते हैं 10 सेकंड का और आप बताएं कि एसेंचर के बारे में आपको क्या क्या पता है. अगर फ्रेंड्स पिछले 10 सेकंड में आपको ये लगा है कि एसेंचर की नॉलेज आपके पास नहीं है तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है. बात करते हैं इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन के थ्रू आपसे क्या पूछता है. वो ये देखना नहीं चाहता कि आपको नॉलेज है कि नहीं, क्योंकि नॉलेज तो आप किसी सोर्स से ले सकते हैं, जैसे आप इस वीडियो से ले सकते हैं. अब वो ये देखना चाहता है कि आपने एसेंचर के बारे में स्टडी करी है कि नहीं. क्यों वो देखना चाहता है? अब देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी कैंडिडेट्स कहते हैं कि एसेंचर इज़ माई ड्रीम कंपनी. ये कैंडिडेट ने सीखा होता है कि ये बोलना है कि जो ये कंपनी है ये मेरी ड्रीम कंपनी है. तो वो ये देखता है कि आपने ड्रीम कंपनी के बारे में, जिसको बोल रहे हैं कि आपकी ड्रीम कंपनी है, आप इसमें लॉन्ग टर्म कैरियर बनाने आए हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं. आपने मतलब इतनी क्यूरियोसिटी नहीं दिखाई कि आपने उसके बारे में स्टडी तक नहीं किया, तो कैसे आपकी ड्रीम कंपनी हो सकती है? जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, उसका कोई ड्रीम मोबाइल फ़ोन है, अगर आप उससे पूछते हैं कि इसमें क्या क्या खासियत है उसके बारे में पूछते हैं, तो फटाफट बता देगा इसमें इतना मेगापिक्सल का कैमरा है, ये सॉफ्टवेयर है, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, ये इसकी क्वालिटीज़ हैं. लेकिन ऐसे ही कैंडिडेट इंटरव्यू में बोल रहा है कि एसेंचर उसकी ड्रीम कंपनी है और उसको नॉलेज नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पे रिजेक्शन का पॉइंट भी निकल के आ सकता है. तो नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे हमें पता चला कि इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आपने एसेंचर के बारे में स्टडी की है या नहीं की है. इससे उसको पता चलता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म कैरियर बनाने आए हैं कंपनी में तो स्टडी करके ज़रूर आएंगे. अगर आपने ये देखा कि एक नौकरी निकली है, एक जॉब निकली है और आप सीधा आ गए उस कंपनी में इंटरव्यू देने, तो आपकी वो लॉन्ग टर्म कंपनी गोल नहीं हो सकती. अब बात करते हैं हम एसेंचर की नॉलेज के बारे में. देखिए फ्रेंड्स, एसेंचर जो है, एक है वर्ल्ड वाइड, एक है एसेंचर इंडिया, दोनों की इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे. बात करते हैं पहले एसेंचर वर्ल्ड वाइड के बारे में. सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको बता दें, एसेंचर जो है एक MNC है. MNC का मतलब होता है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन. नाम से हमें पता चल रहा है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, जो कंपनी एक से ज़्यादा नेशंस में काम करती है, ऑपरेट करती है अपने बिजनेस को, वो मल्टी नेशनल कंपनी कहलाती है. एसेंचर भी उनमें से एक है. अब इसको फाउंडेड किया गया है फ्रेंड्स 1989 में. अब इंटरव्यूअर काफ़ी बार ये पूछता है कि प्रीवियसली किस नाम से जानी जाती थी, तो वो नाम है फ्रेंड्स एंडरसन कंसल्टिंग. अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो एसेंचर है क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है. पहली सर्विस है फ्रेंड्स यहाँ पे स्ट्रेटजी एंड कंसल्टिंग. अब बिजनेस जो होता है इसमें काफ़ी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं. एसेंचर ऐसी स्ट्रेटजीज और कंसल्टिंग मतलब काउंसलिंग करती है, कंसल्ट करती है अनदर बिजनेस से, उनको वो काम करके देती है, उनकी स्ट्रेटजी प्लानिंग, उनके लिए कंसल्ट करना, ये सारे काम एसेंचर करके देती है. बात करते हैं अगली सर्विस क्या है एसेंचर जो देती है. अब अगली सर्विस है फ्रेंड्स इंटरएक्टिव. इसका क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग. अब मान लीजिए एक कंपनी है, वो एसेंचर को अपना काम देती है, तो एसेंचर उस कंपनी के लिए उसकी डिजिटल मार्केटिंग करेगी अलग अलग मीडियम के थ्रू, उसकी मार्केटिंग करेगी डिजिटल सोर्सेज पर, जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब कोई भी सोर्स यहाँ पे हो सकता है. अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग जो है, इसके बाद जो है एनालिसिस, वो क्या है? एनालिटिक्स. अब हर कंपनी का एक डेटा होता है,
उसको एनालाइज करना पड़ता है, उसके थ्रू हमें पता चलता है कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, आगे की फ्यूचर प्लान्स क्या होने वाले हैं, ये उस डेटा के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये काम भी एसेंचर करके देती है, किसको? बाकी कंपनीज को जो हायर करते हैं एसेंचर को इस काम के लिए। बात करते हैं अगला स्टेप क्या है। अगला है फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशंस। जैसा हमें पता है काफ़ी कॉम्पिटिटिव ये वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी में यहाँ पर अपग्रेडेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो एसेंचर ये सर्विसेज देती है टेक्नोलॉजी की, और आईटी रिलेटेड सर्विसेज भी देती है, जैसे क्लाउड स्टोरेज है ये भी इसी के अंदर आता है, ये सर्विस जो है इसी सर्विसेज के अंदर फॉल करती है। तो ये बात होगी सर्विसेज जो जो एसेंचर देती है। आगे देखते हैं इस लिस्ट में क्या चीज़ें आती हैं। हेलो, अब बात करते हैं फ्रेंड्स पिछले साल 2020 में एसेंचर वर्ल्ड वाइड का कितना रिवेन्यू था, वो है फ्रेंड्स 44.33 बिलियन डॉलर्स का। ऑपरेटिंग इनकम कितनी थी, 6.51 बिलियन डॉलर। अब ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है इसको समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग इनकम से हमारा मतलब होता है जो भी कंपनी के ऑपरेटिंग ऑपरेशंस हैं उसके थ्रू जो इनकम आती है उसको हम कहते हैं सीधे सीधे शब्दों में ऑपरेटिंग इनकम। इससे ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये अभी वीडियो जो है कंसेप्चुअल वीडियो नहीं है, एसेंचर के बारे में वीडियो है। इंटरव्यूअर आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ एसेंचर इन 2020। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कुछ चीज़ें आपकी स्क्रीन पर आने वाली हैं ऐसी डिटेल्स, और हम आपको बताएंगे कि क्या क्या वो चीज़ें हैं। तो ये फ्रेंड्स देखते हैं इन चीज़ों को। अब देखिए फ्रेंड्स नेट इनकम जो है 2020 में एसेंचर की वो है 5.11 बिलियन डॉलर्स। अगला है यहाँ पर टोटल एसेट्स, कितनी टोटल एसेट्स हैं कंपनी के पास साल 2020 में, ईयर 2020 में, वो है 37.08 बिलियन डॉलर्स। टोटल इक्विटी कितनी है, वो है 17.5 बिलियन डॉलर्स। ये जो डिजिट्स हैं आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछता है। एम्प्लॉयज़ कितने हैं 2020 में एसेंचर के पास, वो है 5,37,000। अब फ्रेंड्स एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि सीईओ कौन है और कब उन्होंने ज्वाइन किया था एसेंचर का। तो ये है फ्रेंड्स इनका नाम है जूली स्वीट, और 11 जुलाई 2019 में इन्होंने एसेंचर को ज्वाइन किया है। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन इंटरव्यूअर काफ़ी बार पूछता है, कोई रीसेंट रिकग्नाइजेशन बताए एसेंचर का। तो फ्रेंड्स आप बता सकते हैं कि फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की जो लिस्ट है उसमें एसेंचर ने रैंक करा है 205 रैंक आया है एसेंचर का। बहुत ही अच्छी इफेक्टिव बात है क्योंकि फोर्ब्स की लिस्ट है 2000 कंपनीज हैं वहाँ पे, और 205 नंबर जो है एसेंचर का है। अब बातें करते हैं फ्रेंड्स एसेंचर इंडिया के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एसेंचर में पूछे ही जाते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं एसेंचर इंडिया को। देखिए फ्रेंड्स कुछ चीज़ें लिखी आ रही हैं आपकी स्क्रीन पर। एसेंचर इंडिया इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है इंडिया में वो है मुंबई में। इसका जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है वो है 25 अप्रैल 1991। इसकी जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो है 120 लाख। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ऑथोराइज्ड कैपिटल सीधे वर्ड्स में हम बात करें तो वो कैपिटल है जितने अमाउंट के शेयर कंपनी इशू कर सकती है। मान लीजिए कंपनी है उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है 10 लाख, तो 10 लाख के शेयर इशू कर सकती है, उससे ज़्यादा के नहीं कर सकती। पेड अप कैपिटल है 110.51 लाख। पेड अप कैपिटल का मतलब यहाँ पर होता है, अब देखिए ऑथोराइज में हमने बात करा कितने के कंपनी शेयर इशू कर सकती है, पेड अप कैपिटल का मतलब है कितने के कंपनी ने इशू करे। मान लीजिए कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख की, उसने लेकिन शेयर इशू करे 8 लाख के, तो 10 लाख होगी ऑथराइज कैपिटल और 8 लाख होगी पेड अप कैपिटल। अब फ्रेंड्स कुछ यहाँ पे जो ज़रूरी है, करंट बोर्ड मेंबर्स और डायरेक्टर्स क्या हैं एसेंचर के, उनके नाम है सदेश राघवन, रमेश रामामूर्ति, हर्ष मंगलिक एंड संजय जैन। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एसेंचर में पूछे ही जाते हैं। पहले है फ्रेंड्स यहाँ पे आर यू कंफर्टेबल विद रोटेशनल शिफ्ट्स। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एसेंचर में, क्यों पूछा जाता है? देखिए एसेंचर जो है मल्टीनेशनल कंपनी, हमने आपको बताया। अब एसेंचर जो है मान लीजिए कोई क्लाइंट है यूएस का, अब वो काम कर रहे हैं आप कहाँ से, इंडिया से, तो ये जो टाइमिंग में डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आ जाता है, ये एक रीज़न है रोटेशनल शिफ्ट्स का, नाइट शिफ्ट्स का। अब देखिए अगर इंडिया का ही क्लाइंट हो, इंडियन कंपनी हो, तो इंडियन के टाइम के अकॉर्डिंग काम करेगी। यूएस क्लाइंट है तो वो यूएस टाइम के अकॉर्डिंग ऑपरेशंस करते हैं, उस टाइम वो क्लाइंट ऑनलाइन होते हैं, तो कंपनी भी ऑपरेट करती है उसी अकॉर्डिंगली, तो नाइट शिफ्ट यहाँ से आ जाती है। इसलिए जो एसेंचर है काफ़ी क्लाइंट्स के साथ डील करती है, तो पहले ही आपसे पूछते हैं कि रोटेशनल शिफ्ट में
नाइट शिफ्ट में आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं, तो आपको यही बोलना है कि हाँ आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि आपको ये फैक्टर कंसीडर करना ही पड़ेगा। इस शिफ्ट में आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा क्योंकि MNCs में ये शिफ्ट जो है होती हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप स्विच कर सकते हैं, एक इंडियन कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं किस तरीके से आप कन्विंस कर सकते हैं अपने डिजायर शिफ्ट के लिए। देखिए पहले आप यही बोले कि आप रोटेशन शिफ्ट में कंफर्टेबल हैं, और अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपको रोटेशन शिफ्ट में अपनी डे शिफ्ट ही मिल जाती है या नाइट शिफ्ट में कंफर्टेबल है तो वही शिफ्ट मिल जाती है, नहीं तो आप बाद में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी काफ़ी बार मान भी जाती है क्योंकि उनके पास काफ़ी इंप्लॉयज़ होते हैं। मान लीजिए आप डे शिफ्ट में नाइट में जाना चाहते हैं, कोई नाइट से डे में आना चाहता है, तो ये दो रिक्वेस्ट अगर कंपनी के पास आती हैं तो ये फुलफिल होने के काफ़ी चांस बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी बात कंपनी के सामने रख सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है वो है कैन यू रिलोकेट फॉर द कंपनी। अब कंपनी क्यों पूछती है, देखिए एसेंचर जो है कैब प्रोवाइड करती है, जितना दूर कैंडिडेट होगा उतनी दूर कैब जाएगी और उतनी दूर से कैब लेके आएगी। इसमें क्या होता है, टाइम भी लगता है कंपनी का और कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ते हैं क्योंकि कैब जो हैं वो भी लिमिटेड हैं कंपनी के पास। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स वर्क करते हैं कंपनी में, तो वो ये सोचते हैं कि अगर कैंडिडेट स्विच कर जाए, मान लीजिए काफ़ी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, वो काम करने के लिए जॉब करने के लिए आए हुए हैं, तो वो क्या करते हैं नियर बाय कंपनी के कोई PG वगैरह ले लेते हैं। तो कंपनी देखना चाहती है कि क्या आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। इसमें आप बिल्कुल फ्रेंक आंसर दीजिए, अगर आप हो सकते हैं रिलोकेट तो ठीक है आप बोलें हो सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप बोले कि मैं फैमिली के साथ रहता हूँ मैं रिलोकेट नहीं कर सकता। इससे कंपनी को पता चलता है कि आप इस तरीके के पर्सन नहीं हैं कि आप PG वगैरह में रहते हों, आप सिर्फ यहाँ पर जॉब करने के लिए ही आए हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है, रिलोकेट नहीं कर सकते तो कंपनी आपको कैब प्रोवाइड कर देगी। बस ये नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है अगर, तो आपको कैब प्रोवाइड नहीं भी करती कंपनी, कई बार कहती है कि आपको अपने सोर्स से आना पड़ेगा। डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है 2-3 घंटे की ट्रैवल डिस्टेंस है, लेकिन यूजुअली ये नहीं होता। बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन काफ़ी बार एसेंचर में ये पूछा जाता है कि वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस पोजिशन स्पेसिफिकली, कैन यू गो फॉर अनदर पोजिशन इन एसेंचर। अब इसका आपको किस तरीके से आंसर करना है, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। कंपनी देखना चाहती है कि आप वाकई में जिस फील्ड के लिए आए हैं उसमें करियर बनाना चाहते हैं कि नहीं। मान लीजिए आप अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट में गए, कंपनी कहती है कि अकाउंट्स रिसीवल में आपके लिए जॉब है, आप वहाँ जा सकते हैं, तो आप स्विच कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। क्यों, क्योंकि डोमेन एक है। आप बोलें कि मेरा इंटरेस्ट है अकाउंटिंग में, तो मैं अकाउंट्स पेबल या रिसीवल दोनों में स्विच कर सकता हूँ क्योंकि अकाउंटिंग की जॉब है, डोमेन भी सेम है। लेकिन कंपनी बोलती है कि आप बैक ऑफिस में जा सकते हैं, वहाँ पे जॉब है, सैलरी भी अच्छी मिलेगी, और आप अकाउंटिंग के लिए आए हैं और आप स्विच करने को तैयार हो जाते हैं, तो कंपनी आपको रिजेक्ट कर देती है क्योंकि कंपनी को मैसेज आता है कि आप प्रोफाइल स्पेसिफिक नहीं हैं, सिर्फ पैसों के लिए मनी मेकिंग के लिए आए हैं, आप किसी भी तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं, आपको ऐसे नहीं करना। आप बोलें कि नहीं मुझे इसी डोमेन में जॉब करनी है, मैं इसी डोमेन में करियर बनाना चाहता हूँ और एसेंचर में बनाना चाहता हूँ, डेफिनेटली अच्छा इंप्रेशन आपका ये डलेगा। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो एसेंचर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम।